हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 3 के विषय हिंदी का गृह कार्य। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दी गई है कार्यपत्र 11, जो कि बहुत बार रिपीट हो चुकी है कक्षा 3 के लिए भी, कक्षा 4 व 5 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, जहाँ पर हम सीखेंगे समान अर्थ वाले शब्दों से किस तरह से पहचान की जाती है, किस तरह से मिलान किया जाता है। दक्षता में दे रखा है समानार्थी शब्दों को पहचानना और लिखना, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका मिलान करना है समान अर्थ वाले शब्दों से। जैसे पक्षी का मिलान करके दे रखा है खग से, इसी तरह से हम मिलान करेंगे बिजली का दामिनी से, पानी का मिलान करेंगे जल से, हवा का मिलान करेंगे पवन से, चंद्रमा का मिलान करेंगे चंद्रमा से, मित्र का मिलान करेंगे दोस्त से, बेटी का मिलान करेंगे पुत्री से। इसी तरह से हम आगे करेंगे कान का कर्ण से, खुश का प्रसन्न से, मनुष्य का मानव से, पर्वत का पहाड़ से, बादल मेघ, आकाश गगन, चतुर चालाक। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पर आपको चार चार अर्थ वाले शब्द दे रखे हैं जिनमें आपको गोला लगाना है। जो सामने दिए गए शब्द हैं उनका समानार्थी शब्द पर गोला लगाना है आपको। जैसे आकाश का यहाँ चारों ऑप्शंस में से समानार्थी शब्द है गगन, जिस पर हमने गोला लगा के दिखा रखा है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे स्वतंत्र, स्वतंत्र का हो जाएगा आज़ाद, पुष्प का हो जाएगा फूल, दुनिया का हो जाएगा जग, वृक्ष का हो जाएगा पेड़, सूचना का हो जाएगा खबर, आँख का हो जाएगा अनल, प्रसन्न का हो जाएगा खुश, दरवाजा का हो जाएगा किवाड़। थर्ड क्वेश्चन है, इन दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको शब्द दे रखे हैं, दो दो शब्द दे रखे हैं प्रत्येक सेंटेंस के सामने। तो यहाँ क्या करना है, दो में से आपको एक शब्द को चुनना है और लिख देना है दिए गए ब्लैंक्स में। जैसे यहाँ क्या समझते हैं, दे रखा है राघव अपनी पत्नी के साथ विदेश गया। अब स्त्री और पत्नी दो शब्द दे रखे हैं, यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या है, पत्नी, ठीक है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे गीता ने समय पर न पहुँच पाने के लिए क्या प्रकट किया। शोक आ नहीं सकता क्योंकि शोक दुखद समाचार के लिए जब जाते हैं तब शोक प्रकट करते हैं। खेद होता है जब हम किसी गलती को मानते हैं तो हमें क्या होता है, खेद होता है। तो खेद प्रकट किया यहां पर आ जाएगा, यहां आपको लिख देना है खेद प्रकट किया। समय पर स्कूल आना सभी के लिए क्या है, अनिवार्य है, ये ऑर्डर है तो यहाँ अनिवार्य लिखेंगे। हम आपसी सहयोग से ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे तो यहाँ लिख देंगे सहयोग। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। आपको शब्द दे रखे हैं, समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे शरीर का दे रखा है दे, तो इसी तरह से हमें लिख देना है सूर्य का सूरज, मनुष्य का मानव, फूल का पुष्प, चांद का चंद्रमा, वृक्ष का पेड़, पुत्री का बेटी। इसी तरह से बाघ का लिखेंगे व्याघ्र, आग का लिखेंगे नेत्र, जल का लिखेंगे पानी, पुत्र का लिखेंगे बेटा, आग का लिखेंगे अनल, माता का लिखेंगे जननी और पहाड़ का लिखेंगे पर्वत। तो इस तरह से आपने देखा सभी समानार्थी शब्दों को हमने किस तरह से लिखा, किस तरह से मिलान किया, किस तरह से चार ऑप्शंस में से हमने करेक्ट शब्द को चूज़ किया है। तो ये होता है आपका आज का गृह कार्य कंप्लीट। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।